हेलो साथियों, तो हम हैं अभी बरेली जंक्शन पे, बरेली स्टेशन, और जा रहे हैं हल्द्वानी। ये ट्रेन है जिससे हम जा रहे हैं। बरेली पे रुकी हुई है ये, बरेली सिटी जो है स्टेशन है, और हल्द्वानी जा रहे हैं। वहाँ से जाएंगे नैनीताल, तो हल्द्वानी जाएगी, ये काठगोदाम तक जाती है ट्रेन, और बॉम्बे से आती है। और इस समय बजे हैं करीब 11:30 के आसपास का टाइम है। साथियों, हल्द्वानी में जो जहाँ घूमेंगे या जहाँ रुकेंगे, सभी का जो है ब्लॉग हम आपको बना करके भेजेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा साथियों। और ये देखिए पीछे हमारे जो है पूरी फैमिली, हम लोग जा रहे हैं। ये ट्रेन ने सीटी मार दी है दोस्तों, अंदर चलते हैं, फिर आपसे जो है मुलाकात करते हैं हल्द्वानी पहुंचने के बाद में। ये है साथियों बरेली जंक्शन। हम लोग मथुरा से बैठे हैं, और मथुरा से जो है बरेली आए हैं। करीब 11:30 का टाइम है अभी, और बरेली से हम लोग हल्द्वानी के लिए जा रहे हैं, हल्द्वानी काठगोदाम। हल्द्वानी पर हम लोग उतरेंगे, और हल्द्वानी से फिर नैनीताल के लिए सफ़र करेंगे। तो सारी वीडियो आपको जो है सारे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। हल्द्वानी में कैसे कहाँ रुकेंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा साथियों। ये बरेली से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी, बरेली से क्रॉसिंग कर रहा है ट्रेन, बरेली सिटी। और ट्रेन जो है वो मोस्टली खाली है, मतलब यहाँ बरेली में ही खाली हुई है। इससे पहले तो काफ़ी भर के आ रही थी, यहाँ पर ट्रेन खाली हुई है। खाली बिट्टू कहाँ जा रही है? नैनीताल। नैनीताल तो बच्चे जो है, छुट्टी का टाइम है, बच्चे एकदम खुश हैं नैनीताल जाने के लिए। तो साथियों, जल्दी से चलते हैं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन। ये देखिए किस तरह से गाड़ी जो है कर्व ले रही है ट्रेन। ये हम स्टेशन पर आ गए हैं, और आपको बाहर का, स्टेशन के बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, ये है रेलवे स्टेशन हल्द्वानी का, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से अब हम अपने जो अपना अपनी जगह है वहाँ के लिए चलेंगे। रामपुर रोड पे जाना है हमें, आगे मिलते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, तो कल हम यहाँ पर आए थे हल्द्वानी में, और ये है रामपुर रोड हल्द्वानी में। हमारे मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये रामपुर रोड है, और इसी रामपुर रोड पर जो है ये होटल है एक, मेरे पीछे आप देखेंगे तो आदि आनंद होटल है ये, ठीक है। तो आदि आनंद होटल के बाजू में ही हम लोग को यहाँ पे, हमने जो है हमारे दादाजी के एक जिजमान हैं, तो उनका यहाँ पर ये एक जगह है, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, यहीं हमने स्टे किया है हल्द्वानी में। ये इसमें अंदर हम लोग रुके हुए हैं, मेरे पीछे आपको दिख रहा है, चार कमरे हैं इसमें, तो इसमें हम लोग रुके हुए हैं। ये देखिए, और अंदर ये काफ़ी गहरी है जगह, काफ़ी बड़ी जगह है। आप देख रहे होंगे सामने पीछे की तरफ जो है, काफ़ी बड़ी जगह में ये जो है बना हुआ है, और पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। कहते हैं यहाँ पर फैक्ट्री थी पहले, अभी तो वो है, बंद है फैक्ट्री। पहले जो फैक्ट्री थी वो खड़िया की फैक्ट्री थी पुरानी, तो वो है। बाकी मित्रों, यहाँ पे आपको मैं आम के पेड़ दिखाता हूँ, बड़े प्यारे प्यारे आम के पेड़ हैं जिन पर आम लटके हुए हैं, और नींबू का पेड़ भी है। मैं अंदर होके आया एक बार, मैं आपको, ये देखिए मित्रों, ये है आम का पेड़, देख सकते हैं कितने आम इस पर जो है लगे हुए हैं।
देखिए अभी कच्चा है, अभी पका नहीं है आम, बाकी कुछ टाइम में ये जो है पक जाएगा। और वो सामने आप पेड़ देख रहे हैं उसमें भी बहुत सारे आम लगे हुए हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये यहाँ पर आम दो गिरे हुए थे तो मैंने इनको रख दिया है। ये सामने एक नींबू का पेड़ है, अभी इस पे है नहीं नींबू। और ये वापस से एक आम का पेड़, देखिए कितने सारे आम इस पे लगे हुए हैं। हल्द्वानी में मित्रों आम बहुत होता है, बहुत आम होता है, आम लीची और बाकी तो घर में जो भी केला वगैरह लगाते हैं लोग। कटहल के काफ़ी पेड़ हैं, कटहल बहुत होता है, कटहल जो जिसका सब्जी बनता है। ये देखिए कितने सारे आम लगे हुए हैं इस पे, ये देखिए बहुत सुंदर पेड़ है और बहुत सारे इस पे आम लगे हुए हैं। ये देखिए नीचे गिरे हुए हैं, ये देखिए। एक ये भी है आम का ही है पेड़, बट इस पर अभी आम नहीं दिख रहे या फिर टूट चुके हैं, तोड़ के ले गए हैं। ये देखिए एक और पेड़ है आम का, आम के बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ, ये देखिए। एक ये है बेल पत्र का पेड़, बेल का पेड़ है, ये देखिए इस पे जो है बेल लगे हुए हैं। ये देखिए तो ये है बेल का पेड़, बाकी केला लगा हुआ है, केला भी है, अभी केला है नहीं उसमें। ये देखिए ये है केले का पेड़, लीची भी लगी हुई है अंदर, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है पीछे की तरफ, तो वहाँ पे एक पेड़ है जो लीची का है, सामने भी आम है। तो जगह काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे हम रुके हुए हैं, यहीं हम स्टे करेंगे और कल जहाँ भी घूमने जाएंगे आपको जो है इसमें वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मित्रों परसों हम लोग यहाँ पे आए थे हल्द्वानी में और कल हमने रेस्ट किया पूरे दिन वहाँ पर जो रूम था उसमें, और आज आ गए हम लोग यहाँ की लोकल मार्केट घूमने के लिए। ये मार्केट का दृश्य है हल्द्वानी की, जो लोकल मार्केट है उसका, हर चीज़ की यहाँ दुकान है, हर चीज़ आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगी। ये करीब बस स्टैंड जो है अपना, बस स्टैंड के नज़दीक ही है जहाँ से नैनीताल वगैरह के लिए बस जाती हैं, उसके नज़दीक ही ये मार्केट है और यहाँ पर हर तरह की चीज़ आपको जो है मिल जाएगी। काफ़ी बड़ी मार्केट है, काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता है यहाँ पर, तो वही बाज़ार घूमने के लिए आए थे, आपको बाज़ार का जो है दृश्य दिखाते हैं पूरा। वीडियो में बने रहिएगा साथियों, वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और बाकी की इसमें हम पूरी वीडियो नहीं डाल पाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो हम जो है दो तीन पार्ट में वीडियो डालेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको हल्द्वानी की मार्केट।
नमस्कार मित्रों, जैसे कृष्णा। तो साथियों, हम लोग हल्द्वानी से निकल दिए हैं और अल्मोड़ा के लिए जा रहे हैं। अल्मोड़ा में हमारा स्टे रहेगा आज, और अल्मोड़ा में जाकर के वहाँ पे स्टे करेंगे और घूमेंगे। वहाँ पे आपको दर्शन कराएंगे। वहाँ देवी देवी माता का मंदिर है, कसार देवी माता का, तो उनके दर्शन कराएंगे। और यह हम अभी भवाली के रास्ते में हैं। भवाली कल्ला रामगढ़ होते हुए सीधा पहुँचेंगे अल्मोड़ा। तो साथियों, ये है रास्ते पहाड़ों के। इस तरह के देखो घर यहाँ पर जो है बने हुए हैं, और दुकानें हैं बहुत सारी। ऐसा नहीं है कि एकदम एकांत है। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं मित्रों, और पहले जो है हमें काफ़ी अच्छा वेदर मिला था, मौसम काफ़ी अच्छा था। अभी इस बार बारिश नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सूखा सूखा सा है, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी पड़ रही है यहाँ पर। सुबह शाम का मौसम बहुत अच्छा है, बाकी दोपहर में थोड़ा सा गर्मी हो जाती है। काफ़ी भीड़ आई हुई है मित्रों, क्योंकि छुट्टियों का टाइम है। काफ़ी भीड़ यहाँ घूमने के लिए आई हुई है। ये देखिए सामने पर्वतों के नज़ारे, ऐसे ही नज़ारे मिलते रहेंगे आपको रास्ते में। वैसे यहाँ आने के लिए ये जो समय है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस समय पर बारिश नहीं होती। बारिश में पहाड़ थोड़े से जो है ख़तरनाक हो जाते हैं, डेंजर हो जाते हैं। लोग बारिश में आना कम पसंद करते हैं यहाँ पर। और इस समय सीज़न का टाइम है, होटल वगैरह सब जो है बहुत कॉस्टली हैं यहाँ पर। तो ये हैं देखिए पहाड़, सामने देखिए कितना बड़ा ये पर्वत है। गाड़ियाँ कर्व लेते हुए, सब लोग जो है, जो गाड़ियाँ हैं ये सभी कैंची धाम के लिए रवाना हो रही हैं। कैंची धाम का मेला चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए साथियों, यहाँ से नज़ारा कितना अद्भुत और कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू जो है दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट पर हम रुके हुए हैं, और यहाँ से नज़ारा सामने का बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे हो साहब? भाइयों देखो पीछे का नज़ारा कितना बेहतरीन है। मित्रों, यहाँ पर अभी जो घर बने हुए हैं उनमें मोस्टली हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि होम स्टे की व्यवस्था काफ़ी अच्छी जो है बना रखी है। हर घर में आपको जो है एक होम स्टे का यहाँ पर नंबर और वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर आकर के कुछ टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं। इस समय तो सीज़न है, इनके भी रेट थोड़े से हाई हैं। बाकी कभी जो सीज़न ना हो तो आप आकर के यहाँ रह सकते हैं, अपना टाइम अच्छा खासा यहाँ पर बिता सकते हैं। और हरियाली भी रहेगी, ग्रीनरी भी रहेगी, काफ़ी अच्छा जो है माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हमको जो है काफ़ी अच्छा जाम देखने के लिए मिला है। अभी रास्ते में थोड़ा आगे ही जो है कैंची धाम आश्रम है, बाबा जी का आश्रम है, तो वहाँ के लिए काफ़ी लंबी जो है लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। करीब आधा पौना घंटा हमको हो गया यहाँ खड़े हुए, और गाड़ी धीरे धीरे जो है बढ़ रही हैं। सीज़न का टाइम है और कैंची धाम बाबा का मेला लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पब्लिक जो है काफ़ी यहाँ पर आई हुई है पहाड़ों पर घूमने के लिए, छुट्टियाँ बिताने के लिए। स्कूलों की छुट्टियाँ भी चालू हैं, तो बहुत अच्छी लाइन देखने को मिली है साथियों। आया, और देखते हैं कब खुलती है ये लाइन, इंतज़ार में है। तो भाइयों देखो किस तरह का जाम है यहाँ भवाली में। बाबा नीम करौली का भी जो है मेला चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी तगड़ा जाम लगा हुआ है। करीब एक घंटे से खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये हम आ गए हैं वहाँ जाम से निकल के। अभी असली जो जाम लग रहा है वह यहाँ से लग रहा है। ये यहाँ पे पुलिस वालों ने जो है नाकाबंदी की हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये आगे आप देखेंगे तो कैंची धाम जाने का रास्ता है इधर की तरफ, जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं। ये सब कैंची धाम होके वापस आ रहे हैं, और हम लोग को अभी जाना है, तो ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं ये भी अंदर जाएंगी।
जैसे ही ये गाड़ियाँ वहाँ से रोकेंगे तब यहाँ से ये गाड़ियों को अंदर घुसाएंगे। और बाकी ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है अपना अल्मोड़ा के लिए, तो हम लोग इसी रास्ते पे जाएंगे। ये जो सामने आपको दिख रहा है रास्ता, ये अल्मोड़ा के लिए यहाँ से जो है जाना है। बाकी नैनीताल के लिए भी ये लोग यहीं से भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ से रास्ता नैनीताल के लिए बंद किया हुआ है। यहाँ से कैची धाम बाबा का जो रास्ता है यहाँ से बंद किया हुआ है। आप ये देखिए बोर्ड पर रामगढ़ अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा के लिए हम लोग इधर ही निकलेंगे। बाकी यहाँ से ही रास्ता बंद किया हुआ है, यहाँ पे किसी भी जो है गाड़ी को नहीं जाने दे रहे हैं। वो सब वही गाड़ी जा रही है जिनको जो है बाबा नीम करौली के आश्रम में जाना है। ये देखिए यहाँ से ये गाड़ियों को इधर की तरफ कट कर रहे हैं। ये हम लोग भी इधर ही जाएंगे अल्मोड़ा के लिए। गाड़ी हमारी पीछे खड़ी है साथियों, मैं वेट कर रहा हूँ। फाइनली करीब 2 घंटे जो है वहाँ बिताने के बाद जाम में हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। आगे चाय का बागान है दोस्तों, एक सरकारी चाय का बागान है ये, और इसमें अंदर जाने के लिए टिकट भी लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति का 40 रुपये यहाँ पर जो है टिकट लगेगा अंदर जाने के लिए। देखते हैं वीडियो है। ये है देखो चाय का बगान, जो कि चारों तरफ से जिसमें जो है चाय उग रही है। इस सेल्फी पॉइंट बना रखे हैं, जगह जगह जो है स्टिक लगा रखी है जिसपे मोबाइल लगा के लोग अपना सेल्फी ले रहे हैं। तो मित्रों वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो गई है, अभी दूसरा पार्ट हम 2 दिन बाद डालेंगे, तो उसको भी अवश्य आप देखिएगा, वह काफ़ी अच्छा रहेगा। उसमें नैनीताल वगैरह सभी की वीडियो हम डालेंगे। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है मित्रों, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बने रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।